आज ये जो मीटिंग हुई है बिलासपुर में रविदास मंदिर में हुई है और यहाँ पर सदर चुनाव क्षेत्र के साथियों ने भाग लिया। हम लोगों ने पीछे कुलीशन की तरफ से ये फैसला किया था कि प्रदेश की सभी कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर जाकर के वहाँ कोर ग्रुप बनाए जाएंगे और वो ग्रुप जो है वो वहाँ के MLA से और वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो दलित लीडर्स हैं, उनके साथ मतलब बातचीत करेंगे और उसमें ये बताया जाएगा था कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो ड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान है उसके खर्च के लिए कुछ उसमें प्रोविजन रखे जाएं। इस तरह का कानून पहले तेलंगाना में बन चुका है, आंध्रा में बन चुका है और भी कई स्टेटों में जो है वो इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका पर्पज यही है, ये देखा गया है कि आज तक जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान के लिए सरकारी पैसा रखा जाता है, बजट का जो प्रोविजन होता है वो उनके ऊपर पूरा खर्च नहीं होता है और उसको इधर उधर डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसलिए हमने 1.5 साल पहले एक बैठक में कुछ जो साथियों के ग्रुप थे हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, उनके साथ हमने चर्चा की और ये कोलिशन बनाया जिसमें सभी जो ग्रुप प्रदेश में हैं उनको मिलाया गया और उनके साथ चर्चा की गई कि किस तरह से इस प्लान के पैसे को खर्च किया जाना है। तो उसमें हमने समय समय पर हम जिलाधीश के महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दे चुके हैं, सभी SDM जो हैं स्टेट के उनके माध्यम से दे चुके हैं, हम लोग जितने दलित MLA हैं प्रदेश के उनसे मिल चुके हैं और मंत्रियों से भी चर्चा की है और एक बार मुख्यमंत्री महोदय से भी हम मिल लिए हैं और उन्होंने भी एश्योरेंस दी थी कि हम इसके बारे में विचार करेंगे और कानून बनाएंगे। इस कानून के बनने से ये होगा कि जो पैसा खर्च किया जाता है उसमें केवल सरकार का ही दखलंदाज नहीं होगी बल्कि हम लोगों में से भी कुछ साथी जो है उसमें रखे जाएंगे, जो कमेटियाँ बनेगी और वहाँ पर जो भी सही मानों में दलितों की समस्या है उसको रख करके वो बातचीत करेंगे और इस तरह से डेमोक्रेटिक एक मेथड जो है वो यहाँ बनेगा हमारा। तो इसके लिए हम इससे पहले बिलासपुर में हम घुमारू में बैठक कर चुके हैं, गंडीर में बैठक कर चुके हैं और ये आज हमारी तीसरी बैठक है और इसके बाद अगली बैठक हमारी कोट कैलहून चुनाव क्षेत्र के अंदर होगी।